नीरज चलें घर वापस, रहने देते हैं इसको देना। Hey guys, welcome back to another YouTube video। और देखो दुख दर्द जो पीड़ा होती है ना वो हमारी आज आने वाली है, बिकॉज हमने एक डिसीजन लिया है। आई डोंट नो वो डिसीजन सही रहता है या गलत। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें लेनी है भाई सुपर बाइक, एंड यू नो उसके लिए फंड्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं। और वो सारे फंड्स कहाँ से अरेंज होने हैं भाई, जो हमारी एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं वो बेचनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा डिसीजन था कि कौन सी बाइक जो है वो हम बेच के अपनी जो सुपर बाइक है वो लेंगे। सो फिलहाल अभी सुपर बाइक भी कोई मिली नहीं है, एंड मैं मिडल ऑफ द वे ही एक बाइक सेल करने जा रहा हूँ। और उसका पर्पस बस यही है कि मैं चाहता हूँ जिस टाइम भी मुझे एक सुपर बाइक मिले मैं उसी टाइम वो खरीद लूँ, ताकि मिस ना हो। आगे अश्विन सिंह टकियार वाली R1 मिस होगी, इस बार मैं मिस नहीं करूँगा, इस बार मैं खरीदूंगा। तो फाइनली आपको पता है कौन सी बाइक जाने वाली है? देखो यार झूठ नहीं बोलूंगा, बट पिछले 20 या 25 मिनट से मेरे मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला है जब से घर से निकला हूँ, बिकॉज मम्मा भी बोल रहे थे यार कि ये वाली बाइक बहुत अच्छी लगती है, वी डोंट वॉन्ट टू सेल इट। या मेरी बहन को भी बहुत अजीब लग रहा था, एंड लिटरली मेरा भी थोड़ा रोने जैसा मुंह हो गया, बिकॉज पता है आपको कितनी मेहनत करी है फ्रॉम द फर्स्ट डे, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ये बाइक जब मैंने ली थी तब इस पर इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे इससे कि मैं इसे इतनी अच्छी बना दूंगा या इतनी अच्छी लगेगी ये बनने के बाद, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट R15 V4s इन इंडिया। और अजीब लग रहा है, बट फिलहाल आपको कंफर्म कैसे हो गया कि यही बाइक बेचनी है? हो सकता है मैं वो वाली बेच दूँ, है ना, बट नहीं झूठ नहीं बोलूँगा। अभी टाल के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जानी तो भैया यही वाली है, वो ऑब्वियसली V3 है, एंड वो उस टाइम से पापा के नाम से रजिस्टर्ड है, एंड उसे मैं बेचना भी नहीं चाहता। हैव सम मेमोरीज विद दैट, एंड यूट्यूब भी उसी से स्टार्ट किया था, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप दैट। ये वाली से भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं, टेक्निकली मुझे ये वाली बाइक रखनी चाहिए बिकॉज आप लोगों को भी पसंद आती है ये, बट प्लीज़ यार मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करना, दिल पे पत्थर रख के मे बी वी विल गोना सेल इट टुडे, आई डोंट नो। अभी जाऊँगा मैं भैया के पास, बट क्या कर सकते हैं, यू नो अगर कोई नई चीज़ लेनी है तो पुरानी वाली जाएगी भैया, तभी तो फाइनेंस आएंगे। ऐसा तो है नहीं हम अंबानी की औलाद तो नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि भगवान ने जो हमें हमने जो मैंने चाहा है भगवान ने वो चीज़ दी है मुझे। और अब पता नहीं यार क्या कहूँ, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। अभी इस बाइक का ऑडोमीटर देख लो, 2100 किलोमीटर्स अराउंड, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। अब इतनी कम बाइक चलाई है, मतलब फिर भी इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अटैच रहता हूँ लोगों को छोड़ के। पहले लोगों के साथ रहता था, फिर थोड़ा पता चल गया कि नहीं भाई लोगों के साथ अटैच कम होना है, इसलिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स में था मैं थोड़ा। और इसीलिए भाई ये बहुत सही चीज़ है, इवन मैं भी आपको यही कहूँगा लोगों की ज़्यादा ना लोगों की जगह मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करो। और बाइक तो आपको वैसे भी पता है कि लड़कों के दिल के बहुत करीब होती है यार, बाइक्स आर वे मोर क्लोज़र देन ए गर्लफ्रेंड टू बी ऑनेस्ट। अब इसीलिए मैं चला रहा हूँ इस बाइक को मे बी फॉर द लास्ट टाइम। तुम अगर पहले से मेरा चैनल देखते हो तो तुम्हें भी एक चीज़ पता होगी कि मैं बाइक्स भगाने का शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे वो हार्श राइडिंग नहीं पसंद, मैं बस खाली बाइक्स को इंजॉय करने के लिए चलाता हूँ। शौकीन आदमी मतलब मुझे बहुत शौक है बाइक्स का, उन्हें मेंटेन करने का, एकदम साफ़ सुथरा बना के रखने का, इसलिए मेरी बाइक्स की जो कंडीशन होती है वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया रखने की कोशिश करता हूँ मैं, बट अब क्या करें टाइम आ गया। यार पता नहीं क्यों आज मेरे से ना व्लॉग भी नहीं हो रहा, मेरा कुछ बोलने का मन भी नहीं हो रहा। पहले मेरे को लगता था जो लोग ऐसे इमोशनल टाइप के व्लॉग्स बनाते हैं वो जानबूझ के बनाते हैं, बट टू बी अगर मैं सच बताऊं तो मेरा अभी ऑटोमेटिकली बुरा हाल हो रखा है। चलो यार आ जाओ, इसे थोड़ा सा वॉश कराते हैं अभी साहिल के पास जाके। मैन व्हाट अ बैड डे वी कैन से, जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी मैन। नीरज चलें घर वापस, रहने देते हैं इसको देना। क्या करें भैया क्या करें, हाथ शिवर हो रहे हैं, कांप रहे हैं थोड़े थोड़े, नर्वस फील कर रहा हूँ काफ़ी, वॉमिटिंग आने वाली है, गर्भवती हो गए हैं हम, पेट भी बाहर आ रहा है अब तो। सुपर बाइक का जो मेन बड़ा खर्चा है वो तो भैया ऐसे ही पूरा हो सकता है बाइक्स बेच के, किडनीज बेच के, या फिर यू नो अच्छा खासा दो नंबर का पैसा कमा के। हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम बाइक्स वगैरह बेच रहे हैं, और यही नहीं इसके बाद छोटे मोटे खर्चे मुझे पता है काफ़ी सारे आने वाले हैं, जैसे बाइक को रजिस्टर कराना, उसके बाद छोटी मोटी कोई हेलमेट भी लेनी पड़ेगी साथ में, नहीं
और भी थोड़ा बहुत मॉड वगैरह भी करना पड़ेगा, तो वो जो छोटे मोटे खर्चे होंगे उन्हें मैनेज करने के लिए मैं यूज करता हूँ बाइनोमो ऐप। तो चलो आपको भी दिखा देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। गाइस ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक रनिंग ग्राफ चलता हुआ नजर आएगा। गाइस ये जो ग्राफ है आपको सिंपली इसमें प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है कि नीचे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, एक रेड और एक ग्रीन कलर का। अगर आपको लगे कि ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो ग्रीन कलर पे टैप करना है, अगर आपको लगे कि ये नीचे जाने वाला है तो रेड कलर पे टैप कर देना है आपको। तो गाइज आप फॉर एग्जाम्पल ऊपर मेरा अमाउंट देख सकते हैं, रियल अकाउंट में 29,870 रुपीस पड़े हैं। और अभी मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ से लग रहा है ये नीचे जाने वाला है तो मैं ले लेता हूँ नीचे के लिए ट्रेड। और ये देखो 3,500 रुपये से हमारा ट्रेड जो है वो लग चुका है। और ये देखो गाइज हमारा ट्रेड जो है वो एकदम सक्सेसफुल रहा है और हमने अर्न कर लिए 6,370 रुपए। अब आप ऊपर मेरा बैलेंस देख सकते हो गाइज 32,740 रुपीज़ हो गया है। यही नहीं गाइज इसमें पैसे डिपॉजिट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपली आपको ये ऊपर येलो बटन पे टैप करना है। और गाइज यहाँ पर आपको फोनपे, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे सारे अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो जिससे मर्जी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो बाइनोमो ऐप को, जिससे कि आपको 1,000 USD मिलेंगे वो भी आपके डेमो अकाउंट में, ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग करना सीख सको। मीन्स बाइक अभी जाती है तो जाने दो, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो पीछे मस्त ऐसे धुल रही है। अब पहले तो ऐसा होता था कि हमारे पास थी बाइक, हम बहुत धो धा के रखते थे एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। अब आगे जा रही है तो पता नहीं कैसे रखेंगे, इवन इसीलिए अपने नोन में ही किसी को दे रहा हूँ मैं, अमित भैया को। तो अमित भैया अगर वीडियो देख रहे हो ना, याद रखना बाइक साफ रखना, वरना उसी दिन उठा के घर से लेके वापस आ जाऊंगा। इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जिन पे मैंने पहले फोकस कभी नहीं किया, बट अभी जा रही है तो फाइनल टाइम पे हम कुछ फोकस कर लेते हैं लास्ट टाइम पे। तो इसमें जो मैंने छोटे मोटे स्टिकर्स ऐड किए थे ये सारे कस्टमाइज स्टिकर्ड हैं, ऐसे आपको इजीली नहीं मिलेंगे। ये कार्बनाडो का मैंने बैग लिया था, उनके साथ मिले थे। दे लुक नाइस एंड यू नो इस कलर के साथ परफेक्टली मर्ज हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड पीछे से भी बाइक देख लो एकदम मस्त लग रही है। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ, तुम लोगों को गैस करनी है कि मेरी नेक्स्ट जो सुपर बाइक है, जो फर्स्ट सुपर बाइक है, वो कौन सी होने वाली है। अब कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना कि R1 मुझे मिल नहीं रही है, डुकाटी शायद से ओवरहीट होती है, 10R बहुत ज़्यादा कॉमन है, मुझे नहीं पता, S1000RR भी क्या पता। नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी सुपर बाइक लूँगा। और फिलहाल बैरन अल्फा भैया आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम कौन सी लेंगे, क्योंकि अभी तक तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं कौन सी बाइक लूँगा। देखो यार बंदे हमारे पास पहुँच चुके हैं बाइक लेने वाले, अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ही आए भैया बाइक लेने आप। एंड बाई द वे ये जल्दी बहुत है तो आना तो सही, मतलब सही चीज़ है ना, मानते भी नहीं। तो अभी हमें बैरन अल्फा भी अभी मिले थे, उन्होंने भी भाई यही चीज़ बोली, साहिल क्यों बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या क्या अभी हमने ड्रॉप कर रहा है और डिसअपीयर होने जाना है। तो देखो बात बहुत सही है, अभी ये जो अमित भैया इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ ऑन व्लॉग, ऑफ स्क्रीन हम बहुत बार मिल चुके हैं, बिल्कुल मतलब एक बार तब मिले थे, उससे पहले कभी मिले सुंदरबनी वाली साइड मिले, सुंदरबनी नहीं मिले हैं। तो बेसिकली भैया तो आप होके चले गए, बट पता चला बाद में अभी कोई बात नहीं, अब सुपर बाइक लेके आएंगे वहाँ पर। तो बेसिकली ये अमित भैया और इनके पास यू नो डबल ब्लैक बेल्टेड हैं, ये कराटे वगैरह आते हैं, हालांकि ऐसे देख के मुझे भी नहीं लगा था प्योर नेचुरल फिजिक में, बट ही इज़ डबल ब्लैक बेल्टेड मैन। और ये भी सुंदरबनी से हैं, जहाँ से अपनी ज़्यादातर गैंग है, आपको पता है संजू भैया, नॉक्स वगैरह सब लोग हैं। तो अभी फिलहाल गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, उसके बाद भैया के साथ बाइक की डील करते हैं। जब भी मर्जी होगी मैं वीडियोस बनाने आया करूंगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी वीडियो की जरूरत होगी जस्ट कमेंट कर देना, मैं पक्का उसी बाइक पे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है भैया। बाइक ना सूट नहीं हो रही आप पे, रहने दो लेके जाना, सूट अपने आप करेगी जब हैबिचुअल हो जाएगी ना बाइक। हाँ हैबिचुअल होने में अभी टाइम लगेगा। सो जस्ट ये क्लीन होने के बाद की हालात है भाई, एकदम देख लो परफेक्ट लग रही है, क्या बात है यार। अभी बस देखो मेरा रोना ही बचा है, बाकी अंदर अंदर से रोना निकल चुका है। तो कोई बात देता हूँ ना देखो मिर्ची वाले गोलगप्पे का, तो बड़े दिनों बाद आज गोलगप्पे ट्राई करने वाले हैं। भैया आज बाइक ले रहे हैं तो इसी खुशी में गोलगप्पे ही ला रहे हो भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वही चक्कर है ना, मार तो भैया रहे हैं वैसे बट क्या करें, चलो चलता है। राइडिंग वाले चैनल में गोलगप्पे खाते हुए दिखाएंगे हम आपको, दूसरे भैया दिखेंगे नहीं, ये खाली गोलगप्पे दिखेंगे आपको कितने। तो गाइज ये थी कहानी हमारे R15M की, हमारे स्कार की। मतलब कोई प्रोजेक्ट जब आपने स्टार्टिंग से शुरू किया हो, छोटे बच्चे की तरह एक बाइक को पालो ना, तो अटैचमेंट्स तो यार हो ही जाती हैं। तो अब टाइम आ गया है हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू करने का, दैट इज़ अ सुपर बाइक, और आई होप सो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी। तो बस यही था यार, बाकी दो तीन दिन तक सैड रहूँगा।
तो थोड़ा मोरल भी डाउन हो रखा है अभी, तो देखते हैं जब नई बाइक आती है तब कैसा रहता है सब कुछ। मुझे पता है तुम सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगे इस चीज़ से कि मुझे वो बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी अभी प्रॉपरली, इवन वीडियोस वगैरह भी मैंने नहीं डाले हैं। तो कोई बात नहीं, जिन भैया को मैंने बाइक दी है, अमित भैया को, उनके पास हम जाते रहेंगे बीच बीच में, और कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम उसके भी वीडियोज़ लाता रहूँ, उस कार के भी। बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा इस कार पे, बिकॉज़ आपको पता है बहुत दूर चली गई है। तो अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें हम बताते हैं आपको कि कौन सी बाइक हम लेने वाले हैं। एंड अपनी वाइपर भी बहुत दिनों से अंदर घर पे लग रखी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी निकालूँ, प्रॉपर क्लीन वगैरह करना है, क्योंकि अभी चलाने के लिए तो कोई बाइक है नहीं, तो प्रॉपर उसका मेंटेनेंस वगैरह कराते हैं, बाहर जाते हैं, उसे थोड़ा मॉड वगैरह करके परफेक्ट बना के चलाते हैं थोड़े दिन, एंड देन सुपर बाइक ले आते हैं भाई। तो ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा होगा, तो कोई बात नहीं, बट जाने से पहले नीचे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। क्या करूँ यार, मेरी भी मर्जी नहीं चलती है ना, क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली से जो है। तो ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।